आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज़ दिखता है, वही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतज़ार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज़ अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो, हर रोज। और ये बात समझेंगे कि ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे अगल बगल हैं, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हैं, ये क्या हैं? बीमारियाँ हैं, इनसे हमें दूर रहना है। जब कोविड आया था, हम लोग मास्क पहन के इसीलिए जाते थे ना कि बीमारियों से बचना है, क्योंकि हमें पता था ये बहुत जानलेवा बीमारी है। पर ये जितने डिस्ट्रैक्शन टहल रहे हैं, ये भी तो जानलेवा ही हैं, आपकी ज़िंदगी ही तो तबाह कर रहे हैं, ये आपको सफल होने से रोक रहे हैं, आपको एक हारा हुआ, थका हुआ, डिप्रेस्ड, जिसके सपने सब छीन लिए हैं, एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मौत तो आनी है कभी ना कभी। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि आपकी मौत कल आ सकती है, उस दिन आप अपने जीवन में सही कर्म करने लगोगे। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है। फिर मिलेंगे अगले संवाद में, आपसे ऐसी कुछ बातें मैं और करूंगा। मुझे उम्मीद है आज आप इस सेशन के बाद एक बदले हुए व्यक्ति, एक बदले हुए इंसान बन के आओगे, और ये अगल बगल जितने भी शैतान हैं, ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हैं, इनसे दूर रहोगे, और फिर से अपना टाइम T=0 लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे। आपके अतीत में जो गलतियाँ हुई, उनको अब आगे नहीं दोहराएंगे, और अतीत के बोझ को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा भविष्य सुधारने में मदद नहीं करने वाला। मुझे कहीं मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, सिर्फ एक ही जगह दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है जो आपको बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों को जड़ से भगाएंगे, आज माता पिता की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे आज हम लोग। जैसा कि ये बच्चा अभी आया था, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कलयुग के जो शैतान हैं इनसे दूर होना है, रात को समय पे सोने की कोशिश करनी है, यदि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो वो सही है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ऊपर कर्म है। अगर कर्म कर रहे हो अपना, तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ऐसी वैसी आप चीज़ें कर रहे हो जिससे आपका समय ख़राब हो रहा है, तो वो नहीं करना है। अब सर आँख बंद करते हैं, नींद नहीं आती है, मन बहुत चंचल होता है। अभी मैं पिछले बैच में भी बता रहा था कि मन हमारा एक नवजीवित पशु जैसा होता है। एक नवजीवित पशु जो होता है, जब आप देखो घोड़े का बच्चा होता है तो वो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। इसी तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता, वो इधर उधर कहीं भी भागता रहता है। आँख बंद करो, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। पर उसी घोड़े पर आप देखो, जब एक इंसान लगाम लगा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो घोड़ा उस चीज़ को फॉलो करता है। ऐसे ही आपको अपने मन के ऊपर लगाम लगाना है, कंट्रोल करना है, वश में लेना है अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया, तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाओ, माँ बाप के और निकट जाओ, सच्चे दोस्तों को ढूंढो। सच्चा दोस्त वो है जो आपको ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा दोस्त वो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद गड्ढे में खिड़ा हुआ है और आपका पैर पकड़ के भी खींच रहा है कि आप भी गड्ढे में आ जाओ। पर हाँ, यदि वो गड्ढे में गिरा हुआ है, तो आपको पैर छुड़ा के आगे नहीं जाना है, आपको हाथ नीचे गड्ढे में दे के उसे भी ऊपर लेके आना है, क्योंकि एक दिन आपका बुरा समय आएगा, तब वो भी आपकी मदद करेगा। ये आपका कर्तव्य बनता है। भगवान के थोड़े निकट जाएंगे आज, अपने भगवान से आप एक बार बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करेंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो। पर अब यही एक बात है, जितने बच्चे आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालते हैं, उन सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़रूर से सफल हो। पर जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकालते,
उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा सफल हो। कहने का मतलब आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, हालातों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी ज़िंदगी कोई बदल सकता है तो वो आईने में जो इंसान दिख रहा है वही है। जो इंसान जीवन में सफल है उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, और जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल हो। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हों, पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, पर सबसे ज्यादा महत्व है कि आपने अपने जीवन में कितना तप किया, कितना परिश्रम किया। और ये जो एक नया जीने का तरीका है लोगों का, जो खुद को कूल समझते हैं, जो असल में आपको सफल होने से रोकने लगा है, जाहिर सी बात है वो कूल नहीं, वो बेवकूफ़ी है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।